देवास शहर में बीमा अस्पताल लंबे समय से परेशानियों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ समय पर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने की सबसे बड़ी समस्या मरीजों के सामने बनी रहती है। कई डॉक्टर तो अस्पताल आते ही नहीं हैं और कई कर्मचारी भी अस्पताल नहीं आते हैं, हर माह मासिक वेतन लेते आ रहे हैं। अस्पताल में साफ सफाई और अन्य समस्याएं यहाँ पर हमेशा ही बनी रहती है। इसी को लेकर SDM प्रदीप सोनी को शिकायतें मिलने पर मंगलवार को बीमा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान साफ सफाई नहीं दिखने को लेकर SDM ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार भी लगाई है। निरीक्षण के दौरान SDM को अस्पताल में साफ सफाई के साथ अन्य कमियां भी नजर आई है। इसको लेकर उचित निर्देश देकर कर्मचारियों पर कार्रवाई कर वेतन रोकने की बात भी SDM ने कही है। आज सुबह मुझे कुछ यहाँ के पेशेंट्स के द्वारा और कुछ अन्य व्यक्ति के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं पेशेंट्स को, तो उसके पश्चात बीमा हॉस्पिटल है यहाँ में भी विजिट किया। हमारी पूरी टीम, हमारे CMHO साहब, मेरे तहसीलदार मैडम, हम सब लोग यहाँ पे आए। इसमें मुख्य मुद्दे जो प्रॉब्लम देखने को आई, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ESIC के द्वारा गवर्न होता है और उसमें इनका जो इनके जो डायरेक्टर हैं वो इंदौर में रहते हैं, तो इनके डायरेक्टर से भी मैंने बात की है। अभी बेसिक इशू सबसे ज़्यादा हैं, साफ़ सफाई के इशूज़ हैं, डॉक्टर्स के इशूज़ हैं। वैसे अधिकतर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर पाए गए, कुछ डॉक्टर्स छुट्टी पर चले गए हैं, और बाकी जो रेगुलर मेंटेनेंस वर्क है जैसे कि पंखा, ट्यूबलाइट्स, साफ सफाई, फर्नीचर, इसकी बहुत ही गंभीर समस्या सामने देखने को आई है। इसमें कोई दोमत नहीं है कि कहीं ना कहीं बजट के इश्यूज़ भी हैं थोड़े बहुत, पर मैंने बात की है अभी कि हम लोग, क्योंकि पहले इनिशियली आज के भ्रमण के बाद मैंने आज लोकल अरेंजमेंट करके सफाई की व्यवस्था की है, तो नहीं, मैंने अभी देखा कि कुछ सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। मैं इनकी पूरी रिपोर्ट बना के, डेफिनेटली इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सफाई कर्मचारी पर भी कार्रवाई होगी और यहाँ के जो और भी जो लोग हैं जैसे कि स्टोर प्रभारी हो गए या जो लोग नियमित रूप से उपस्थित नहीं हैं, वो सबकी मैं लिस्ट बना के मेरे वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत नियमित, अगर वो ड्राइवर उपस्थित हैं वो घर बैठ के सैलरी ले रहे थे, उनकी सैलरी रुक दी जाएगी या फिर उनका उपयोग कहीं की जाएगा या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए इनके ऊपर के अधिकारी को लिखा जाएगा। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।